सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की त्रिपुरा के सीएम के साथ भू समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 14वें दिन कोची से शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, सचिन पायलट भी हुए शामिल। नौसेना प्रमुख ने चीन को बताया कठिन चुनौती, कहा विरोधियों के साथ युद्ध से इनकार नहीं। देश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की योजना तैयार, मुस्लिम बुद्धिजीवी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। यूपी से हिमाचल तक बारिश के आसार, कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अलर्ट। अलीगढ़ में बारिश बनी शहर के लिए मुसीबत, सड़कों से लेकर घर स्कूल तक हुए जलमग्न। गाजीपुर में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने मदरसे का किया सर्वे, मलिकपुर गांव में अमृत सरोवर का किया निरीक्षण। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में इनामी बदमाश को लगी गोली। महाराजगंज में अंबेडकर नगर मोहल्ले में चलाया गया सफाई अभियान, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने अभियान में लिया हिस्सा। महाराजगंज में पुलिस और एसएसबी टीम ने कई जगह की छापेमारी, छापेमारी के दौरान हीरोइन को किया गया बरामद। ये समय युद्ध का नहीं है, यूक्रेन वॉर पर पीएम मोदी की पुतिन को सलाह की, फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूएनजीए में की तारीफ। ब्राजील के साओ पाउलो में बड़ा हादसा, गोदाम का एक हिस्सा गिरने से 9 लोगों की मौत। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार के विरोध में शख्स ने खुद को लगाई आग। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नागरिकता विधेयक को मंजूरी देने से किया इनकार, संवैधानिक संकट को दिया न्यौता। महंगाई और कंगाली में पाकिस्तान का आटा गीला, कराची में 125 रुपए किलो मिल रहा है आटा। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, कैमरून ग्रीन के अर्धशतक के बाद मैथ्यू वेड ने तूफानी बैटिंग से पलटा मैच। एशिया कप से रोहित शर्मा ने नहीं ली कोई सीख, भारत ने कई मैच टपकाने का भोगता खामियाजा। मोहाली में युवराज सिंह और भारभजन सिंह के नाम पर किया गया स्टैंड का अनावरण। मोइन अली के सामने फीके पड़े बाबर आजम, पाकिस्तान को पहले ही मैच में इंग्लैंड ने उसके घर में हराया। महिला T20 एशिया कप का शेड्यूल हुआ जारी, 7 अक्टूबर को होगा भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली एम्स में निधन, 41 दिनों से एम्स में भर्ती थे। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को याद कर भावुक हुए फैंस, कहा गजोदर भैया आप बहुत याद आओगे। केबीसी 14 की पहली करोड़पति बनी कविता चावला, नहीं दे पाई क्रिकेट से जुड़े 7.5 करोड़ के सवाल का जवाब।
विवादों में आए एक्टर अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड, बीजेपी नेता ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। क्रिकेटर केएल राहुल के धुआंधार अर्धशतक पर झूमी एक्ट्रेस आथिया शेट्टी, दिया प्यार भरा रिएक्शन। फिलहाल के लिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।